प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की एनडीए सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर चल रहे विकास पर्व के कार्यक्रम के तहत कल ओडिशा के बालासोर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा की तैयारियों के सिलसिले में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी 15 जून तक विकास पर्व मना रही है। इसी कड़ी में उड़ीसा के बालासोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जून को एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। कैसी तैयारी है? भारी उत्साह है। ये आदिवासी इलाका है, ये उड़ीसा की एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बालेश्वर की भूमिका उड़ीसा के निर्माण में, उड़ीसा की भाषा की निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे ही एक सारस्वत केंद्र में प्रधानमंत्री जी का काल आना हो रहा है, और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, 2 साल के हिसाब देने के लिए आ रहे हैं। आज अनेकों कल्याणकारी योजना हुई है। प्रधानमंत्री चुनाव के पहले एक विषय के बड़ा आग्रह रखते थे और बड़ा उसमें मुखर होकर बोलते थे, जब तक पूर्वी भारत की विकास नहीं होगा तब तक भारत की संतुलित विकास की कल्पना असंभव है। सरकार का जो कामकाज है वो संगठन के माध्यम से जनता तक पहुंचाना, ये क्या चुनौती साबित हो रही है या किस तरीके से इसे आप ले जा रहे हैं? आप देख रहे हैं किस उत्साह के साथ आज इतने वातावरण में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बालेश्वर शहर में निकल चुके हैं। ऐसे ही माहौल ग्रामीण इलाका में भी है। आज हजारों कार्यकर्ता संगठन के प्रधानमंत्री जी की इस कल्याणकारी पर्व को, विकास पर्व को, विकास उत्सव को घर घर तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। किन बातों को ध्यान में रखकर उड़ीसा में बालासोर जो है उसका चयन किया गया? भारत की सुरक्षा, भारत की संस्कृति, भारत की अर्थनीति की एक प्रमुख केंद्र बालेश्वर है। प्रधानमंत्री जी का बालेश्वर आना हम लोगों के लिए सौभाग्य है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो विकास पर्व में प्रधानमंत्री की यात्रा जो उनकी होनी है यहाँ पर रैली, उसको सफल बनाने के लिए लगातार वो मशक्कत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जनता को हिसाब देने आ रहे हैं कि 2 साल में उन्होंने क्या क्या कामकाज किए हैं। कैमरामैन संजय जैना के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, बालासोर, उड़ीसा।